जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पांचवें T20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने मैन ऑफ द मैच बनते से ही दिया ऐसा बड़ा बयान की जानकर पूरा देश रह गया हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा क्या बोला है, जिसे जानने के बाद आप भी उन्हें सलाम ठोकोगे। और साथ में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में भी काफी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि मैदान पर भीड़ है, जोस बटलर और विराट कोहली इस वजह से उलझे दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी, मैदान पर हो गया था कुछ ऐसा कि वीडियो देखकर आप भी हो जाओगे हैरान। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, हार्दिक पांड्या का छक्का देखकर स्टेडियम में झूम उठी पत्नी नताशा स्टेनकोविक, देखने लायक था उनका रिएक्शन। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताए कि भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 36 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। साथ में भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज को 3-2 के अंतर से भी जीत लिया। तो वहीं दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पहली ही गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा, जहां पर उनकी गेंद का सामना करना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल रहा। तो वहीं हम आपको बताएं, T20 सीरीज के पांचवे और अंतिम T20 मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर फेंकते हुए मात्र 15 रन दिए और 2 बड़े विकेट हासिल किए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम का पूरा पासा ही पलट गया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि इस T20 मुकाबले में विराट कोहली ने 52 गेंदों में 80 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो वहीं रोहित शर्मा ने 34 गेंदों में 64 रन बनाए थे। तो वहीं हार्दिक पांड्या 17 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे थे, जिसके चलते भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पूरे 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 224 रन बनाए और यहां पर 225 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 188 ही रन बनाए, जिसके चलते 36 रनों से कुल मिलाकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। तो इन दोस्तों, हम आपको बताएं कि इस मैच के बाद मैच में मैन ऑफ द मैच बने भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि टीम में वापसी करना हमेशा अच्छा रहता है, टीम की जीत में योगदान देकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है, मुझमें अच्छा आत्मविश्वास है क्योंकि मैंने घरेलू मैचेस अभी खेले थे। जब आपको इन स्विंगर के साथ पहले ओवर में विकेट मिलता है तो हमेशा आपको खुशी और आत्मविश्वास मिलता है। मैं टीम की सफलता में अपना योगदान देकर काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आगे भी मुझे भारतीय कप्तान विराट कोहली ऐसे ही मौका देते रहें और मैं अपना दमखम दिखाते हुए भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ाता रहूं। तो वहीं दोस्तों, आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ एक भाई की तरह लगता है, जहां पर ये दोनों ही मिलकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जहां अगर हमें एक छक्का लग जाए तो दोनों ही हर एक गेंदबाज के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि अगली गेंद कैसी डाले और किस रणनीति पर वो काम करें, तो जिसके चलते हमें मैदान पर काफी ज्यादा आसानी होती है, खास करके रोहित भाई जो कि हमेशा ही इर्द गिर्द गेंदबाजों के घूमते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की जमकर तारीफ करी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है भुवनेश्वर कुमार के इस बयान के बारे में और आप भुवनेश्वर कुमार को इस बयान के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर आज इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो भारत ने रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन का स्कोर खड़ा किया और जवाब में इंग्लैंड की टीम को 225 रन बनाने थे। तो वहीं आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने मात्र 34 गेंदों में 64 रनों की बल्लेबाजी की थी। तो वहीं दूसरे छोर पर कप्तान विराट कोहली ने 52 गेंदों में 80 रन, 1 रन, बेन स्टॉक्स 14 रन, क्रिस जॉर्डन 11 रन, जोफ्रा आर्चर 1 रन बनाकर रन आउट हुए। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से आज बल्लेबाजों ने उतना ज्यादा दमखम नहीं दिखाया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम को 36 रनों से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में 36 रन से इस मुकाबले को हराने के बाद कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जहां पर कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम के इस बल्लेबाज को अपने सीरीज जीत का श्रेय दिया है और साथ में काफी बड़ी बड़ी बातें भी बोली हैं। तो आइए
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कप्तान विराट कोहली ने बातचीत करते हुए क्या बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने कहा कि यह पांचवा T20 मुकाबला इस पूरी T20 सीरीज का मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खेल था। तो आगे विराट कोहली ने बात करते हुए कहा, पहले तो हमारे बल्लेबाजों ने आज बोर्ड पर अच्छे रन बनाए और उसके बाद गेंदबाजी ने लक्ष्य की रक्षा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। पंत जो बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे उन्होंने अभी भी 220 रन बनाए इस सीरीज में। वह आगे बात करते हुए कहते हैं कि रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अच्छी तरह से संवाद किया और अपने बचाव पर भरोसा किया, यह उनके लिए एक क्लिनिकल गेम था। फिर वहीं उन्होंने आगे बात करते हुए बोला, वह इंडियन T20 लीग में ओपनिंग करेंगे और साथ ही वह विभिन्न पदों के लिए प्रयास करना चाहेंगे। तो वहीं ईशान किशन और सुरेश अय्यर की यहां पर उन्होंने प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इस सीरीज में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी जिम्मेदारी अपनी निभाई। हार्दिक पांड्या ने भी आज अंतिम खेल में अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से अपनी फॉर्म को फिर से हासिल कर लिया है। वहीं उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि ऋषभ पंत को अब हमें ODI सीरीज में भी आजमा कर देखना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले ऋषभ पंत पूरी तरीके से फॉर्म को खो बैठे थे, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने वापसी करी है वो काबिले तारीफ है। और मुझे अब ये बताया कि उन्होंने काफी ज्यादा रोहित शर्मा की सहायता ली, क्योंकि विराट कोहली भी जानते हैं कि मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा T20 के बेहतरीन कप्तान, और ऐसे में वो आगे भी रोहित शर्मा से मैदान में फील्डिंग और गेंदबाजों से रोहित शर्मा के बारे में जिक्र करते रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर कप्तान विराट कोहली ने काफी बड़ी बड़ी बातें बोली, साथ में उन्होंने रोहित शर्मा को जीत का श्रेय दिया और बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम भी लिए। बाकी आपकी क्या राय है विराट कोहली के इस बयान के बारे में और आप विराट कोहली को 10 में से कितना अंक देना चाहोगे इस बयान के लिए? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है के साथ भारतीय टीम ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी, लेकिन इसी बीच आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दौरान वो कौन कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो रोहित शर्मा का पांचवा बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि रोहित शर्मा ने आज 64 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने मार्टिन गप्ती और वह विराट कोहली के बाद T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो वही बात करें चौथे रिकॉर्ड के बारे में, जो चौथा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि रोहित शर्मा ने इस मैच में 2 चौके लगाते ही T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 250 चौके पूरे कर लिए और वह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 चौके लगाने वाले कोहली और गुप्टिल के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि रोहित शर्मा ने आज अपने T20 क्रिकेट करियर का 22वां अर्धशतक बनाया और वह अपने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 4 शतक भी लगा चुके हैं। तो वही दोस्तों बात करें आगे बढ़ते हुए अगले और पहले रिकॉर्ड के बारे में, जो पहला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आज T20 में सर्वाधिक सबसे ज्यादा रन का। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।